साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइडर डोर दिए जा रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़े और इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए गए हैं जिसमें कि आप चाहें तो अपना मिक्सर और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ सेंटर टेबल लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता आप सबका एक बार फिर से होम लॉजिका में स्वागत करता हूं। तो आपने ऑलरेडी सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय किया होगा और एंजॉय करते आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि ये प्रॉपर्टी बालेवाड़ी या बानेर में ही होने वाली है, बट आपने थंबनेल में ऑलरेडी जैसा कि पढ़ा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ताथावड़े में रहने वाली है। तो इस प्रॉपर्टी के जो फीचर्स हैं वो रहने वाले हैं बानेर या बालेवाड़ी की जैसे, बट इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलेगी वो ताथावड़े की रहेगी। तो यहाँ पर जो ऑफर किया जा रहा है वो है 2, 3 and 4 BHK के ऑप्शंस ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर आप 2, 3 या 4 BHK देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखें। अभी इस समय जो हम सैंपल फ्लैट आज कवर करने वाले हैं वो रहने वाला है 3 BHK का। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सैंपल फ्लैट का टूर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट जिसका कारपेट रहने वाला है 1126 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पे आपको 8 फीट बड़ा डोर मिल जाता है जिसके एजेस मोल्डेड रहेंगे और यहाँ पर भी आपको रबर सीलिंग ला के दी जा रही है। साथ ही साथ आपको हाइक विजन का वीडियो डोर फोन और एक डिजिटल लॉक भी ला के दिया जा रहा है जिसको आप मल्टीपल वे से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्लैट के अंदर चलते हैं। तो अंदर आने के बाद हमें मिलती है स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी जिसका साइज रहने वाला है 7x5 का। अगर हम इस एंट्रेंस लॉबी के लेआउट को देखते हैं तो यहाँ से आपको बड़ी अच्छी प्राइवेसी मिल जाती है आपके लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया से। साथ ही साथ आप इस एरिया को काफ़ी खूबसूरती से अपने शूरैक और आर्टिफैक्ट वगैरह लगा करके इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। और इससे आगे बढ़ते ही मिलती है हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया जो कि एल शेप में दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लेआउट है बेडरूम्स का वो बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में है। तो इस तरफ हमें मिल जाता है हमारा पेरेंट्स या गेस्ट बेडरूम और बाकी के 2 बेडरूम्स उस तरफ मिलेंगे। तो आइए पहले अपने पेरेंट्स या गेस्ट बेडरूम को देख लेते हैं। तो यहाँ आता है हमारा गेस्ट या पेरेंट्स बेडरूम जिसका साइज रहने वाला है 12x10 का। काफ़ी स्पेशियस रूम है ये, आप देख सकते हैं कि बड़े से डबल बेड लगाने के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। इस तरफ आ जाता है हमारे बेड की प्लेसमेंट बिकॉज यहाँ पर अपने पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सामने की तरफ आपको टीवी का प्लेसमेंट मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको इसी तरह से सजा सकते हैं। इस तरफ आपका कवर्ड स्पेस आ जाता है बिकॉज इस वॉल से लगकर जिस तरह से कवर्ड स्पेस बनाया गया है ऐसा ही आप भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको एम्पल स्पेस मिल जाता है टू वॉक अराउंड। इस तरफ आ जाती है हमारी विंडो जहाँ पे नीचे का पार्ट फिक्स रहेगा और ऊपर का पार्ट मूवेबल है विथ आपको जो है मॉस्किटो मेस यहाँ पे दिया जाएगा जिसको कि आप सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी से लगे मिलते हैं हमारा अटैच्ड वॉशरूम जिसका साइज है 7.5x4.5 का। आप देख सकते हैं ये वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, मैट फिनिश में दिया हुआ है, वाइट बेस कलर थीम रहने वाला है। इस तरफ आता है हमारा कूलर की फिटिंग्स का सिंक, इसके बाद आपको WC मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बेथिंग एरिया मिल जाता है। साथ ही साथ इस तरफ आपको एक बड़ी सी विंडो मिलती है सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए, यहीं से आपको आपके सर्विस लेज का भी एक्सेस मिल जाता है। तो आइए अब आगे चल के अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को देख लेते हैं। तो गेस्ट बेडरूम से बाहर आते ही हमें मिलता है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इस एरिया को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस रूम को एलिमिनेट करते हैं तो आपको जो बाकी का लेआउट मिल रहा है ऑलमोस्ट 2 BHK के लिए सिमिलर लेआउट रहने वाला है। हालांकि उसके साइजेस थोड़े से कम हो जाते हैं बट लेआउट विल बी द सेम। यहाँ पर आप लिविंग एरिया में जैसे आप आते हैं तो आपको दिखता है बड़े बड़े 800x1600 mm के टाइल्स जो कि पूरे फ्लैट में एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिलेगी वो रहेगी 9.7 feet की। इस लिविंग एरिया की बात करूं तो इसके साइज है 11x18, 11 फीट की चौड़ाई मिल जाती है और 18 फीट की लंबाई मिल जाती है। काफ़ी अच्छा लिविंग एरिया है, आप यहां पर इसी तरह का बड़ा सा एक एल शेप या सी शेप सोफा प्लान कर सकते हैं, साथ ही साथ सेंटर टेबल लगा सकते हैं। और इस तरफ आ जाती है आपके टीवी के लिए प्लेसमेंट जहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लाकर आप अपने फैमिली के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसी से लगी मिलती है हमें हमारी बालकनी, आइए पहले अपनी बालकनी को देख लेते हैं। तो इस तरफ मिल जाती है हमें 3 साइड कवर्ड बालकनी, इसका साइज रहने वाला है 11x5 का। अगर आप फ्लोर पर देखते हैं तो आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए जा रहे हैं जो कि एंटी स्किड रहने वाले हैं। सामने की तरफ आपको एसएस रेलिंग मिल जाएगी और टफन ग्लास मिल जाता है जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन भी मिल जाती है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर एक पावर पॉइंट दिया गया है जिससे कि आप अपने मल्टीपल गैजेट्स लाइक मोबाइल लैपटॉप को भी यहाँ पर रख के चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्लाइडर डोर दिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं और ये
थ्री स्लाइडर डोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको टू थर्ड एरिया ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी वजह से ही आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन घर के अंदर भी मिल जाता है। तो आइए अब आगे चल के अपने डाइनिंग एरिया एंड किचन एरिया को देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। YouTube का डेटा बताता है कि आप में से 83% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए, ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाने के लिए। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसका साइज रहने वाला है 11x6 feet का। अगर आप डाइनिंग एरिया के लेआउट को देखते हैं तो यहाँ पर आप बड़े आराम से 4-6 seater डाइनिंग प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ मिलता है हमें डेडिकेटेड हमारा पूजा घर के लिए स्पेस, जहाँ पर आप अपने गणपति या आइडल को प्लेस कर सकते हैं। और इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा किचन। तो आइए अपने किचन को देख लेते हैं। ये किचन हमें दिया जा रहा है 8.5x10 feet के साइज में। यहाँ पर आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो कि इंजीनियर स्टोन का प्लेटफॉर्म रहने वाला है। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई काफी अच्छी है, जो कि अच्छी बात है। इस तरफ आप चाहें तो इसी तरह से अपने गैजेट्स के लिए प्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए जाएंगे। यहाँ पर आया था आपका गैस का फिटमेंट, इसी के साथ यहाँ पर आपको चिमनी के लिए भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया जाएगा। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़े और इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कि आप चाहें तो अपना मिक्सर और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब इस तरफ का जो एरिया है वो डेडिकेटेड दिया गया है फ्रिज स्पेस के लिए, उसके लिए पावर पॉइंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे सिंक देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा रेक्टेंगुलर सिंक दिया रहा है स्टेनलेस स्टील का विथ म्यूरल टैप, जिसमें कि आपके सारे ही बर्तन आराम से आ सकते हैं वॉशिंग के लिए। साथ ही साथ इस तरफ आपको मिल जाएगा आपके वाटर प्यूरीफायर का प्लेसमेंट। इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा ड्राई एरिया, जो कि इनक्लोज रहने वाला है। इसका साइज रहेगा 8.5x3.3 का। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक तरफ आपको वॉशिंग मशीन के लिए प्लेसमेंट मिल जाता है और एक तरफ आपको मिल जाता है डिश वॉशर के लिए प्लेसमेंट। तो इस तरफ आपको मिल जाता है बड़ा सा विंडो, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा। आपको यहाँ पर बड़े बड़े स्लाइडर डोर दिए हुए हैं, जो कि 50% तक ओपन हो सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मॉस्किटो मैच भी ला के दिया जा रहा है, जिससे कि आप आराम से अपने वेंटिलेशन को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और अपने किड्स बेडरूम को देखते हैं। तो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते हुए मिलता है हमारा कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया की खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको कोई भी डेड स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। इस तरफ हमें हमारा किड्स बेडरूम मिल जाता है, इधर कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है और मेरे पीछे दिया हुआ है हमारा मास्टर बेडरूम। तो आइए पहले अपने किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ मिल जाता है हमें हमारा स्पेशियस किड्स बेडरूम, क्योंकि इसका साइज रहने वाला है 12x10 का। अगर हम इस साइज की बात करें तो ये सेम साइज है जैसा कि हमने अपने गेस्ट बेडरूम में देखा था। तो साइज वाइज यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप चाहें तो बड़ा सा डबल बेड लगा सकते हैं, सामने की तरफ आप स्टडी टेबल लगा सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी एक पावर पॉइंट दिया हुआ है। इस तरफ भी आपको बेड के बाजू में एक पावर पॉइंट मिल जाता है। साथ ही साथ जिस तरह का आप इधर आप लेआउट देख रहे हैं एक बड़े से कवर्ड का, वैसा ही आप एक बड़ा सा कवर्ड भी प्लान कर सकते हैं। इस तरफ मिल जाती है हमें हमारी विंडो, जिसमें कि नीचे का पार्ट आपका फिक्स रहने वाला है और ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल रहेगा। यहाँ पर भी आपको स्लाइडर डोर दिए जाएंगे विथ मॉस्किटो मैट्स, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन इस रूम में मिलेगा। तो आइए अब चल के अपने कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। तो हमारे किड्स बेडरूम के ठीक सामने मिल जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, आइए इसको भी देख लेते हैं। कॉमन वॉशरूम का जो साइज हमें दिया जा रहा है वो सेम गेस्ट बेडरूम जैसा रहने वाला है, जो कि 4.5x7.5 का काफी स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ पर क्या डिफरेंट है, ये लेआउट भी सेम टू सेम गेस्ट बेडरूम जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस आपको मिलेगा आपके टाइल के कलर कॉम्बिनेशन में और आपके फिटिंग के कलर कॉम्बिनेशन में। रेस्ट एवरीथिंग लेआउट विल रिमेन सेम। तो प्लीज इसको देख लीजिए और इसके बाद हम देखेंगे हमारा मास्टर बेडरूम। तो इस तरफ आता है हमारा ह्यूमंगस बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 14x11 का। काफी बड़ा बेडरूम दिया जा रहा है, आप इस स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद भी आपको एम्पल स्पेस मिल जाएगा वॉक टू वॉक अराउंड। अगर आप अभी का प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए गए हैं। तो इस तरफ आ जाता है हमारा बड़ा सा बेड, आप चाहें तो किंग साइज बेड भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इजिली। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट का प्लेसमेंट मिल जाता है, जहाँ पे आप बड़ी सी स्क्रीन लगा सकते हैं और आपकी नाइट मूवीज को आप बेड से ही इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस एरिया में चाहे तो इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट या फिर वर्क प्लेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑफिस डेस्क वगैरह क्रिएट करना चाहें अगर वहां पर भी
ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कहीं पर भी आपको कवर्ड स्पेस नहीं दिख रहा है कि कहीं पर कवर्ड स्पेस दिखाया गया हो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको मिलता है वॉकिंग वार्डरोब स्पेस, जिसका साइज़ है ये सेपरेट रहने वाला है मास्टर बेडरूम के साइज़ से, 6x6 का साइज़ मिल जाता है। आप चाहें तो इसको इंटीरियर के थ्रू कवर अप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको इसी तरह के लेआउट में जो कि एल शेप में यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से बना करके यूज़ कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा बड़ा सा वॉशरूम जो कि अटैच रहने वाला है। तो आइए अपने अटैच्ड वॉशरूम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जिसका साइज रहने वाला है 8.5x4 का। काफ़ी बड़ा स्पेशियस वॉशरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप इसके प्लेसमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर सा कूलर का सिंक दिया जा रहा है, उसके साथ साथ ही आपको कूलर की फिटिंग भी दी जा रही है जो कि गोल्ड प्लेटेड रहने वाली है। यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ये इंजन स्टोव का मिलने वाला है। इस प्लेटफॉर्म के होने से आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को काफ़ी सहूलियत के साथ अरेंज कर सकते हैं। इस तरफ आया था आपका WC और इस तरफ आया था आपका बेथिंग एरिया, और इसी से लगा मिलता है हमें हमारा विंडो, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पे जो टाइल्स दिए गए हैं वो मैट फिनिश में है। इनका कलर कॉम्बिनेशन कुछ आपको इसी तरह का यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आपके गेस्ट बेडरूम और किड्स या कॉमन वॉशरूम से अलग रहने वाला है। तो आइए चेरी ऑन द टॉप, अब इस रूम के साथ अटैच एक छोटी सी बालकनी उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरफ मिल जाती है हमें हमारी सेकंड बालकनी, इसका साइज रहने वाला है 11x2.6 का। ये बालकनी हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, बट इसके होने से आप अपना एक लव वन के साथ अपना मी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। इसका जो लेआउट है वो सिमिलर रहने वाला है जैसा कि हमने हमारे लिविंग एरिया के बालकनी को देखा था। यहाँ पर भी आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको SS रेलिंग मिल जाती है टफन ग्लास के साथ, जिससे कि आप अपने व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वेंटिलेशन में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको एक पावर पॉइंट दिया गया है एज इट इज, जिसको कि आप मल्टीपल पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको लैपटॉप चार्ज करना हो या फिर मोबाइल चार्ज करना हो। साथ ही आपको यहाँ पर भी 3 स्लाइडर डोर्स दिए गए हैं जो कि 2/3 तक ओपन हो जाएंगे एंड 1/3 इसका पार्ट क्लोज रहने वाला है, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन आपके बेडरूम में भी मिल जाएगी। अगर हम डेवलपर की बात करें तो इस डेवलपर को 20 ईयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इन्होंने इस 20 ईयर्स में 7 to 8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और करंटली इनके 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर हम ताथावड़े की इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ताथावड़े की इस प्रॉपर्टी का लैंड पार्सल रहने वाला है 2.25 एकड़ का, जिसमें कि सिर्फ 2 टावर्स बनाए जाएंगे, जिनका फ्लोर साइज रहने वाला है 2 बेसमेंट पार्किंग प्लस 2 ग्राउंड पार्किंग। उसके ऊपर 17 माले की बिल्डिंग रहने वाली है जो कि हमारा हैबिटेबल स्पेस रहने वाला है। अगर इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन इसका रहने वाला है 2027 का। कंस्ट्रक्शन RCC में की जा रही है। अगर हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2, 3 and 4 BHK के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 2 and 3 BHK में 2 बालकनी का ऑप्शन दिए जा रहे हैं एंड 4 BHK में आपको 3 बालकनी देखने को मिलेगी। 2 BHK कारपेट साइज रहने वाला है 822 स्क्वायर फीट का। स्टार्टिंग प्राइस 93 लाख से लेकर 95.70 लाख निगोशिएबल रहने वाली है। 3 BHK में आपको 2 कारपेट मिलते हैं। पहला कारपेट है 1078, इसकी आस्किंग प्राइस रहेगी 1.22 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक, अगेन निगोशिएबल। बड़ा कारपेट जो है 1126 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, इसका आस्किंग प्राइस रहने वाली है 1.27 करोड़ से लेकर 1.31 करोड़ रुपए निगोशिएबल। 4 BHK में कारपेट साइज देखने को मिलेगा 1451 का, इसकी आस्किंग प्राइस रहने वाली है 1.64 CR से लेकर 1.69 CR तक। अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 25 प्लस एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कुछ की हाइलाइट्स रहने वाले हैं स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट, जिम, स्पा एंड क्रेच। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ से 2 मेजर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। एक है मुंबई बेंगलोर हाईवे और दूसरी तरफ आपको मिल जाता है ऑन BRTS रोड की कनेक्टिविटी। यहाँ से आपको हिंजेवाड़ी मेट्रो स्टेशन, बानेर, औंद एंड PCMC के रेस्ट ऑफ द एरियाज काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्टेड मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट का PCMC का वाटर सप्लाई के साथ साथ 2 बोर भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको पाइपलाइन गैस ही मिलेगी, बिकॉज इस एरिया में ऑलरेडी पाइपलाइन गैस मौजूद रहने वाली है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या फिर यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए नंबर पे कॉल करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।